Study IQ is. Abtayari hui affordable. Good morning, class. Am I visible and audible to all of you? We shall have uh, today the unification of Germany, uh, and uh, it's a better story. Uh, it's a story which tells you about the real politics or real politic, as you now people say, or it is a story that uh, mostly.

russia on the north if i say if i would say who was the biggest loser in the unification of italy other than austria see other than austria who was the biggest loser in the unification of italy the answer is france will दैट फ्रांस नहीं चाहता था कि पीडमोंट सार्डेनिया इतना बड़ा एक नेशन बन जाए हमारे बगल में यू ऑल हैव द मैप मैप नीड टू गिव यू द मैप अभी ठीक है ना इटली का मैप यू ऑल हैव राइट सो यू नो पीडमोंट सार्डेनिया इटली बन चुका था और पीडमोंट सार्डेनिया के किंग इटली के किंग बन चुकेट वॉज है ना पेपल स्टेट्स बचा हुआ था एंड द एरिया जो बाद में कैप्चर में हो जाता है तो so कहने का मतलब है फ्रांस के हमारे किंग कौन थे उस समय द किंग ऑफ फ्रांस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये प्लीज was the king of the France? Napoleon III. Na? Napoleon III. Napoleon Magbolo. Napoleon III. Aslee Napoleon, Napoleon Bonaparte. <laughs> Theak hai? Theak hai? So this is Napoleon III, and he is feeling chided. Trust me, he will feel more chided. He will be at a more vulnerable position at this point of time. Okay? At a more vulnerable position at this point of time. Let us see how. Okay, let us see how so let us begin with our story again and this is one of the most interesting stories in the world war sorry in, in the world history and uh, at the end of today's lecture we will also establish uh, you know the fact that you have the coming up of alliances in the first world war first world war major alliances hote the,

यूएसए विल कम मच लेटर यूएसए विल कम मच लेटर तो ये जो ग्रुपिंग्स है ये जो ग्रुपिंग थी तीन ग्रुपिंग ये भी एट द एंड ऑफ 1890 आपको पता चलेगा दैट दैट वाज आल्सो हैपनिंग बिकॉज ऑफ बिस्मार्क विल कम टू इट ठीक है बट लेट अस बिगिन विद आवर जर्मन यूनिफिकेशन इनफैक्ट सिंस द कमिंग अप ऑफ बिस्मार्क एज द चलर ऑफ जर्मनी ऑटोवॉन विस्मार्क इनका नाम है चांसलर ऑफ जर्मनी चांसलर बनेंगे बट सिंस दी कम्स एंड बिकम्स एजलर ऑफ जर्मनी एवरीथिंग दैट इन यूरोप है कहा जाता था कि एक पत्ता भी हिलता था यूरोप में

इफ आई वुड रफली से प्रशिया और दूसरा क्या था ऑस्ट्रिया प्रशिया okay. और ऑस्ट्रिया मुझे एक्चुअली ऑस्ट्रिया दूसरे कलर से बनाना था ये दोनों मिलकर जर्मनी बना रहे इफ यू हैव नोटिस्ड और मैं मैप नहीं यूज करता हूं जर्मन यूनिफिकेशन बिकॉज द मैप इज वेरी कॉम्प्लेक्स मैप आप बना नहीं सकते हो बिकॉज और और प्रशिया के बीच में कुछ और भी है? जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं फॉर एग्जाम्पल इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यून वी वर डूइंग द नेपोलियनिक वॉर्स हम लोग ने नेपोलियन ने के कॉन्क्वेस्ट देखे थे आई टोल्ड यू दैट ही कॉन्कर्ड इटली एंड ही कॉन्कर्ड ऑल्सो सम पार्ट

मतलब 300 स्मॉलर कॉन्फेडरेसीज इट्स सो यू कैन से दैट 300 काइंड ऑफ रिपब्लिक्स राइनलैंड इज आल्सो वेरी रिच इन मिनरल्स पर्टिकुलरली कोल ठीक है कोल्स में बहुत ही ज्यादा रिच था राइनलैंड्स नेपोलियन यहाँ पे आए थे एंड नेपोलियन हैड कॉनक्वर्ड दीज राइनलैंड्स एरिया एंड मेड दोस 300 ये 300 को मिलाकर उन्होंने 39 स्टेट्स बना दिए थे दैट्स इट और जब तक नेपोलियन थे उनका इनडायरेक्ट रूल रहा था राइनलैंड में एंड देन आफ्टर ही वेंट अवे राइनलैंड ऑल्सो बिकेम लाइक अ सेमी इंडिपेंडेंट एरिया नाउ दिस हैपनिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेपोलियन दैट इज फ्रॉम टू अराउंड ऑलमोस्ट ये राइनलैंड का इंटीग्रेशन का प्रोसेस था मेनी हिस्टोरियंस से बहुत सारे हिस्टोरियंस इस बात को कहते हैं

एग्जाम्पल नेपोलियन की कभी यह मंशा नहीं थी नेपोलियन नेवर थॉट दैट दिस जर्मनी विल गो ऑन टू बिकम अफाइड नेशन या नेपोलियन का इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता भाई नेपोलियन बिलोंग टू फ्रांस रशिया और ऑस्ट्रिया एक इकट्ठा हो जाए ही वुड नॉट हैनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट नॉट ही वुड है कोई फोर साइट भी नहीं था लेकिन इट्स लाइक दैट Uh, अगर मैं आपसे बात करूं यू हैव यू हैव ऑल डन मॉडर्न इंडिया हैव यू है ना आप सब लोगों ने मॉडर्न इंडिया किया हुआ है राइट यू रिमेंबर दैट चैप्टर और दैट पार्ट कॉल्ड एज डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स आप सब डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स जानते हैं यस नाउ डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स में डेल हाउजी एनेक्स्ट मेनी इंडियन प्रिंसली है ना सातारा जैतपुर संबलपुर उदयपुर झांसी भगत नागपुर He also conquered Awadh in the context of not doctrine of lapse, but in the context of misgovernance. मतलब अगर मैं ये कहूं कि एक ऐसा ब्रिटिश शासक जिसने बहुत सारे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को अनेक्स किया और ब्रिटिश इंडिया में शामिल किया सो कैन आई indirectly एंड अनोइंगली डेलहाउस हेल्प सरदार पटेल Can I say that? भाई सरदार पटेल क्या कर रहे थे सरदार पटेल बाद में ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा राज्यों को इकट्ठा कर रहे थे भारत में मिला रहे थे डेलहाउज़ी की ये कभी मंशा नहीं थी कि एक यू uh, नो you know, एक यूनिफाइड इंडिया बनके तैयार हो य बट डेलहाउजी इनडायरेक्टली इन समेस डिड द वर्क रिड्यूस्ड द वर्क ऑफ आवर फ्रीडम फाइटर्स लेटर ऑन हू वांटेड टू इंटीग्रेट द प्रिंसली स्टेट्स अब मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा हूं कि डेलहाउजी ने किस तरीके से इंटीग्रेट किया और सरदार पटेल ने किस तरीके से इंटीग्रेट किया दोनों के इंटीग्रेशन में जमीन आसमान का फर्क होगा डेल्हाउी ने इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को बहुत ह्यूमिलिएट किया और ह्यूमिलिएट करने के बाद इंटीग्रेट किया ठीक है दैट इज डिफरेंट थिंग बट आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्क दैट डेलहाउजी डिड अनुइंगली ड्यूरिंग एटीन फिफ्टीज जो काम एटीन फिफ्टीज में डेलहाउजी ने किया वही काम ऑलमोस्ट सौ साल बाद नाइनटीन फोर्टी सेवन में इंडियन एंड को या इंडियन पॉलिटिशियंस को या इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को करना पड़ रहा था यस प्लीज आई यू अंडरस्टैंडिंग हियर ऑल्सो

और द वेरी फर्स्ट स्टेप्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन इज टेकन बाय हुम होम टेकन बाय बेक्टली और नेपोलियन 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 इनडायरेक्टली बाय क्लियर अब मुझसे किसी ने पूछा नहीं और इसलिए मैंने बताया भी नहीं इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि भाई इटालियन यूनिफिकेशन पढ़ा कि नहीं uh, 1796 में इटली को कौन कर कौन कर रहा था नेपोलियन सो कैन आई नेपोलियन इनडायरेक्टली वॉज ऑल्सो ट्राइंग टू यूनिफाई इटली भाई जैसे इन्होंने जर्मनी को यूनिफाई किया वैसे इटली को भी इन्होंने कॉन्कर किया सी इटली ऑल्सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेपोलियन वाई ही वॉज देयर एक्सेप्ट पीडमोंट एंड सार्डेनिया सिर्फ पीडमोंट और सार्डेनिया को छोड़कर और पोप स्टेट्स और पैपल स्टेट्स को छोड़कर बाकी सारी की सारी इटली नेपोलियन के अंदर हुआ करती थी टिल द टाइम ही वॉज देयर ऑन थ्रोन सो ही ऑल्सो गेव इटालियंस एन आइडिया वॉट इज टू लिव इन यूनिफाइड कंट्री ये हम नेपोलियन बोनापार्ट की बात कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट की बात कर रहे ठीक है आर यू गेटिंग इट समझ में आ रहा है एवरीबडी ट्राइंग टू से नेपोलियन इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल एंड दिस इज वॉट हिस्टोरियन से नेपोलियन इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ जर्मन एंड इटालियन यूनिफिकेशन ये क्वेश्चन आता है यू गेटिंग इट नेपोलियन इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल for sowing the seeds of german and italian unification do you agree yes or no able to understand or no anybody who is not able to understand this point the first step hai, anybody who is not able to understand sir can we say that in a way he was responsible for european unification as well uh, european unification in the form of european union if you would say no

ड्यूरिंग द नेपोलियन एक कॉन्क्वेस्ट वनपोलियन वॉज गोइंगिंग एरिया टू वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया मेड द थ्री हंड्रेड स्मॉलर राइट स्टेट स्टेट्स थे ऑस्ट्रिया के बीच में थे उनको कॉन्कर करके ये थर्टी नाइन स्टेट्स की कॉन्फेडरेसी बना रहे थे नंबर वन सेकेंड वेन ही वॉज कॉन्करिंग इटली जब इटली को कैप्चर कर रहे थे नेपोलियन वॉज ऑल्सो मेकिंग इटली यूनाइटेड एक्सेप्ट फॉर

ऑल ऑफ यू क्या दिखता है फ्रेगमेंटेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑस्ट्रिया और कुछ नहीं है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ऑस्ट्रिया ठीक है देखिए चाहे वो प्रशिया हो चाहे राइनलैंड हो चाहे ऑस्ट्रिया हो इन सब जगहों पर जर्मन स्पीकिंग टेरिटरीज हुआ करती थी ये सारे जर्मन स्पीकिंग एरियाज थे इसलिए द नेम जर्मनी कम्स ठीक है ना एक सिंपल सी बात है कि अगर इंडिया में लोग रह रहे हैं तो भाई इंडियन लैंग्वेजेस बोलेंगे ठीक है तमिल बोलेंगे हिंदी बोलेंगे तेलुगु बोलेंगे यू नो दैट विच आर द इंडियन लैंग्वेजेस आउट है फॉर एग्जांपल टूडेज पॉलिटिशियंस और टूडेज पीपल हु क्लेम दैट उर्दू हैज गॉन बैक टू यू नो उर्दू इज बिलोंगिंग टू पाकिस्तान और इंडिया में नहीं है Uh, ये दुर्भाग्य की बात है उर्दूज बर्थ लैंड इज इंडिया उर्दूज लैंड इज नॉट पाकिस्तान ठीक है बट वी टेन टू से अगर पाकिस्तान में उर्दू बोला जाता है तो यू नो ठीक है उनका है और ये हिंदी हमारा है एंड ऑल दैट बट हिंदी भी हमारी उर्दू भी हमारी क्लियरली सेंग यू दैट जहां जहां पे लोग हिंदी उर्दू बोलते हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया से एसोसिएटेड है कैन आई से दैट कैन आई से दैट यस उसी तरीके से जहां जहां पे भी लोग जर्मन बोलते थे चाहे वो ऑस्ट्रिया में हो राइनलैंड में हो प्रशिया में हो इट वॉज अ टेंडेंसी टू सी और देर वॉज एन इंक्रीजिंग टेंडेंसी विद इन दीज एरिया सारे जर्मन स्पीकिंग एरिया एक क्यों नहीं हो जाते अलग अलग क्यों हैं ना ऑस्ट्रिया में जो हैब्सबर्ग डायनेस्टी हुआ करती थी हैब्सबर्ग uh, डायनेस्टी और हैब्सबर्ग मोनार्की वॉज लार्जली द ओल्डेस्ट होली रोमन एम्पायर सेंटर वियेना इनका सेंटर हुआ करता था और होली रोमन एम्पायर को देखने वाला अगर कोई था या उसकी कोई रैलिक थी या उसका कोई अविशेष बचा हुआ था तो दैट वॉज ऑस्ट्रिया यू ऑल हैव नोन दैट प्रिंस मेटर्निक वॉज द लीडर ऑफ मोनार्किकल पावर्स इन यूरोप आफ्टर द गोइंग अवे ऑफ नेपोलियन बिलोंग टू विच कंट्री वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे बिलोंग टू ऑस्ट्रिया राइट सो बाय लार्ज ऑस्ट्रिया वॉज द मेजर इशू प्रशिया को यह पता था कि अगर प्रशिया इंटीग्रेट होना चाहेगा तो इंटीग्रेशन किसके नाम पर होगा विल इट बिकम ऑस्ट्रिया और विल इट बिकम प्रशिया नाम क्या होगा जर्मनी तो नाम किसी के दिमाग में नहीं था बट अगर ये दोनों इंटीग्रेट होगा तो नाम क्या होगा ऑस्ट्रिया बिकॉज ऑस्ट्रिया वॉज इंपॉर्टेंट रिलीजियस कम पॉलिटिकल पावर ऑल्सो एंड इट हैड ऑल्सो द बैकिंग ऑफ पोप पोप की भी बैकिंग बहुत अच्छी थी तो सब कुछ ऑस्ट्रिया में था इनफैक्ट देर वॉज वॉट यू कॉल एज अ फ्रेंकफर्ट पार्लियामेंट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था ऑस्ट्रिया में जिसमें प्रशिया के भी मेंबर्स आते थे और पार्टिसिपेट करते थे यानी कि प्रशिया के भी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो भी आके फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ही पार्टिसिपेट करेंगे विच वाज देयर इन ऑस्ट्रिया कहने का मतलब सबसे बड़ा रीजन था दैट अगर जर्मनी इंटीग्रेट होती है सो इट विल बी इंटीग्रेटेड अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑस्ट्रिया एंड दैट

इटालियन यूनिफिकेशन का सबसे पहला स्टेप इस टाइम शुरू हुआ था यस प्लीज यू ऑल रिमेम्बर कैसे शुरू हुआ था हाउ इट हु हु वेंट वेंट अवे अवे फ्रॉम फ्रॉम यूरोप यूरोप प्रिंस मेटर्निक डिक्लाइन ऑफ मेटर्निक डाउनफॉल ऑफ मेटर्निक तो मेटर्निक गए थे तो याद है हमारे चार्ल्स एल्बर्ट को जो पीडमोंट सार्डेनिया के किंग थे उनको बोला गया था कि सर आप अब अपना इटली इंटीग्रेट करो बोला था ना यस प्लीज यू ऑल यस मजीनी ने बोला था उसी तरीके से इसी टाइम पे प्रशिया के बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और कुछ यूनियंस मिलके बोलेंगे कि सर प्रशिया के किंग को बोलेंगे प्रशिया के किंग को बोलेंगे सर प्लीज इंटीग्रेट योर लैंड विथ राइन टेरिटरीज एंड हाफ ऑफ ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया का पूरा नहीं रहे थे नॉर्दर्न ऑस्ट्रिया का बहुत सारा पार्ट जो है आपके साथ आने के लिए तैयार है यू प्लीज इंटीग्रेट एंड मेक इट वन जर्मनी हु इज संग दिस मोस्टली पीपल हु आर देयर इन फ्रैंकफोर्ट पार्लियामेंट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो है वो लोग बोल रहे हैं दे आर मेनली इंडस्ट्रियलिस्ट दे आर मेनली स्टूडेंट यूनियन ग्रुप ट्रेड यूनियन ग्रुप एंड पीपल हु वॉन्ट टू सी जर्मनी अंडर द दनी ऑफ प्रशिया प्रशिया के अंदर जो जर्मनी को देखना चाहते हैं वो लोग प्रशिया के किंग को बोल रहे हैं कि सर आप इंटीग्रेट कर दो हम आपके साथ खड़े हैं द होल फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इज स्टैंडिंग विथ यू डोंट वरी अबाउट द ऑस्ट्रियन किंग हैं हैंडल इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इस टाइम पीरियड पे द किंग वॉज फ्रेडरिक विलोर्थ ठीक है एंड ही वॉज मालिंग ओवर दिस फैक्ट दैट शुड वी टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड इंटीग्रेट जर्मनी आपको नहीं लगता है कि अगर फ्रेडरिक मान जाते तो आपका सिलेबस कम हो जाता आपको ज्यादा कहानी नहीं पढ़नी पड़ती बट ऐसा होता नहीं है है ना दिस लाइक अ बॉलीवुड फिल्म बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स है ऐसा होता नहीं है मैंने आपको बताया कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में एक आदमी जो प्रशिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने फ्रेडरिक विलम को लेटर लिखा और कहा प्लीज डोंट साइन इंटीग्रेशन लेटर्स आप इस क्राउन को आप इस पोजिशन को एक्सेप्ट मत करिए वो आदमी कौन था हमारे कहानी का हीरो कौन है हमारी कहानी का हीरो बिस्मार्क बिस्मार्क राइट अ लेटर एंड दिस इज अ वेरी Interesting thing in world history. He says that don't accept the chairs which are offered by liberals. I don't want Austrianization of Germany. I want Prussianization of Austria. What did he say? Mark these words. If you want, you can write these words. He said, don't accept the chair.

ट सर प्लीज डोंट एक्सेप्ट दिस चेयर जो ये आपको बोल रहे हैं कि ठीक है आप जर्मनी के राजा बन जाइए प्रशिया राइन लैंड एंड ऑस्ट्रिया के बहुत बड़े पार्ट को मिलाकर हम जर्मनी बनाएंगे और बन भी सकता था लेकिन आप इसको एक्सेप्ट मत करिएगा वी वॉन्ट प्रशनाइेशन ऑफ ऑस्ट्रिया ही सेट वी वॉन्ट प्रशनाइेशन ऑफ ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया का प्रशनाइजेशन करना है जर्मनी का ऑस्ट्रियानाइजेशन नहीं करना है जो हम पहले बात कर रहे थे रिमेंबर कि अगर जर्मनी इंटीग्रेट होता है और ऑस्ट्रिया के स्ट्रॉन्ग रहते हुए इंटीग्रेट होता है तो दबदबा किसका होगा ऑस्ट्रिया का ना? नाइड मुझे ऑस्ट्रिया का दबदबा नहीं चाहिए मुझे चाहिए जर्मनी का इफ जर्मनी इज बॉर्न इट शुड बी बॉर्न विद अ स्टैम्प कि इसके डीएनए में प्रशिया है ऑस्ट्रिया नहीं है यू गेटिंग इट टूडे डू यू सी इन वर्ल्ड मैप प्रशिया आप प्रशिया देखते हो वर्ल्ड मैप में नो बट डू यू सी ऑस्ट्रिया यू डू एंड हेंस आई प्रूव माय पॉइंट आर यू गेटिंग इट ऑल ऑफ यू आर यू गेटिंग व्हाट बिस्मार्क इज सेइंग? सो जर्मनी इज बेसिकली प्रशिया और कुछ नहीं बेसिकली यही हुआ कि 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के सबसे ज्यादा मेजोरिटी के लोग उठकर आए और बोले कि सर आप ऑस्ट्रिया राइनलैंड और प्रशिया को इंटीग्रेट कर लो किसको बोल रहे हैं हु आर दे सेइंग हु आर दे सेइंग किसको बोल रहे हैं प्रशियन किंग को बोल रहे हैं फ्रेडरिक विलियम द फोर्थ को बोल रहे हैं, ठीक है डोंट यू थिंक दिस इज अ बेटर प्रोपोजिशन सब कुछ उठ के आ रहा है आपके पास, ठीक है? बट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में बैठे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो प्रशिया से चुनकर आते हैं ऑटोवन बिस्मार्क ये कह रहे हैं कि सर प्लीज डोंट एक्सेप्ट दिस ऑफर ये ऑफर एक्सेप्ट मत करिए इजेशन ऑफ जर्मनी ये क्राउन ये जो ये जो हमें ताज पेश किया जा रहा है ऑफ यूनाइटेड जर्मनी इट इज गिवन बाय लिबरल्स ये लिबरल दे रहे हैं आपको ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में बैठे ऐसे व्यक्ति दे रहे हैं बिजनेसमैन दे रहे हैं मर्चेंट्स दे रहे हैं ट्रेडर्स दे रहे हैं स्टूडेंट यूनियन दे रहे हैं ट्रेड यूनियन दे रहे हैं इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है जस्ट नो ट्रेड इनको डिप्लोमेसी नहीं आती दे डोंट अंडरस्टैंड रियल पॉलिटिक दिस इज वॉट बिस्मार्क से मतलब होता है कि जो सच में हो रहा है जो ऊपर ऊपर की बात नहीं है लिबरल पॉलिसी बोलने की बात और है फॉर एग्जाम्पल बिस्मार्क यूज से कि जब प्रिंस मेटर्निक जिंदा थे सॉरी या जब प्रिंस मेटर्निक यूरोप में थे अब तो वो इंग्लैंड भाग गए लेकिन जब तक प्रिंस मेटर्निक यूरोप में थे ये लिबरल्स कहां थे वाई वर दे नॉट से दैट ऑस्ट्रिया शुड भी इंटीग्रेटेड विथ रशिया और जैसे प्रिंस मैटनिक चले गएरिंग यू द क्राउन सो देउन थ्रू द ट्रेडिशनल मेथड क्राउन इज ऑफन ऑफर्ड विड्स इट इज ऑलवेज सेट लाइक दैट की एक क्राउन जो होता है ना वो ब्लड सोक्ड हैंड से यानी कि खून से रंगे हाथों से उठाकर दूसरे को दिया जाता है बिकॉज क्राउन के चेंजेस या किंग के पोजिशन के चेंजेस जो होते हैं वो हमेशा ब्लडी होते हैं

मर्चेंट्स आपको दे रहे हैं ऐसे क्राउन लेने से कोई मतलब नहीं है ऐसी गद्दी लेने से कोई मतलब नहीं है हम अगर गद्दी लेंगे तो मुकम्मल तौर पर लेंगे यू नो फाइट करके लेंगे इट्स लाइक दैट सी आई एम आई समझ में आ रहा है सर फ्रैंकफर्ट कौन सी कंट्री का है ऑस्ट्रिया या प्रशिया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑस्ट्रिया में था ठीक है फ्रैंकफर्ट कहां है ठीक है ना ओके फ्रैंकफर्ट दैट इज व्हाट Tells you the might of Austria इट्स लाइक सेट रशिया के भी मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑस्ट्रिया में ही जाके बैठे थे फ्रेंकफर्ट पार्लियामेंट में ठीक है सो दैट वॉज द माइट अब समझ में आया सब लोगों को बड़ी सिंपल सी चीज है ठीक है बहुत सिंपल सी चीज है जो मैं बता रहा हूं ओके ऑल्दो आई हेट टू यू नो मै वेन एवर आई टीच हिस्ट्री आई नवर ट्राई टू यू नो रोमांटिसाइज़ और हैव मेड अप स्टोरी ये कभी होता नहीं है कि मेड अप स्टोरी या रोमांटिसाइज़ेशन रोमांटिसन uh, करना चाहिए बट कल को इमेजिन करिए कि पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एक रेजोल्यूशन पास करें दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शुड इंटीग्रेट पाकिस्तान विथ इंडिया कल को मान लो अगर खुदा ना खास्ता ऐसा रेजोल्यूशन पास हो जाए <laughs> तो हमारे डोवल साहब शायद प्राइम मिनिस्टर को बोलेंगे कि इस रेजोल्यूशन का कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान इंडिया से तभी इंटीग्रेट हो सकता है जब भाई वहां की आर्मी हटे वहां की आर्मी कैसे हटेगी भाई अच्छे से लड़ाई कर कर हमारी आर्मी जाए उनकी आर्मी जाए निकलो और फिर बाद में इंटीग्रेट हो सकता है ऐसे इंटीग्रेशन का कोई मतलब नहीं जिनकी वहां के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की खुद की इज्जत नहीं है तो वो आपको क्या इंटीग्रेट करवाएंगे यूर गेटिंग द आइडिया ठीक है सो इट इज समथिंग लाइक दैट ओके दैट ही इज एडवाइजिंग द प्रशन किंग नॉट टू गो अहेड एज सिंपल एज दैट ठीक है एंड दैट इज द मोस्ट परप्लेक्सिंग थिंग अबाउट बिस्मार्क इनफैक्ट वॉट एवर यू थिंक आप जो भी बिस्मार्क के बारे में सोचते हैं बिस्मार्क आपके बारे में वैसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है बिस्मार्क जब तक जिंदा थे कोई बता नहीं सकता था कि उनका कौन दोस्त है उनका कौन दुश्मन है नो बडी कुट नो बडी इन नंबर ऑफ अदर थिंग्स बट लेटस फर्स्ट कम टू द रीजन वाई सिंस अगेन नो बडी मी देन वाई डू यू थिंक मर्चेंट्स जो यहां पे मर्चेंट्स थे दे वॉन्टेड टू इंटीग्रेट विथ रशिया वाई डू यू थिंक यहां के जो मर्चेंट्स थे ऑस्ट्रिया के जो मर्चेंट्स थे वो इंटीग्रेट होना क्यों चाहते थे कहने का मतलब ये सर बिकॉज ऑफ ट्रेड याद है Sir, मैंने आपको एक वर्ड बताया था जोलवरीन याद है I told you while I was doing industrial revolution. We were doing industrial revolution, right? And I told you that industrialization in Germany starts with the coming up of Zollverein, right? You remember that? If you don't remember, I'm telling you to again. This was like a free trade union. <clears throat> this was like Prussia, Rhinelands, एंड सम नॉर्दर्न ऑस्ट्रियन टेरिटरी के साथ नहीं जाना चाहते थे ट्रेड इकोनॉमिक जोन दैट वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोस्परस एटीन एटीन से यह चल रहा था वन एट वन एट से और ये प्रॉस्परस होते जा रहा था इनफैक्ट ऑस्ट्रिया के ज्यादातर एरियाज इसके हद में नहीं थे हाँ लेकिन जर्मन स्पीकिंग एरियाज जैसे राइनलैंड तो जरूर थे और प्रशिया की पूरी टेरिटरी थी और कुछ ऐसे ऑस्ट्रियन स्टेट्स नॉर्दर्न ऑस्ट्रियन स्टेट्स थे जिनकी ऑस्ट्रिया से खुद नहीं बनती थी वो लोग इस जॉलवरिन में थे इट्स लाइक सेइंग फॉर एग्जांपल आवर बिम्स्टेक हमारा जो बिम्स्टेक है यू नो आवर बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल इनिशियेटिव यू नो इकोनॉमिक इनिशियेटिव यू नो दैट अब बिम्स्टेक में कौन सी कंट्री नहीं है यू ऑल नो द नेम ऑफ दट कंट्री पाकिस्तान नहीं है फॉर एग्जाम्पल सार्क में पाकिस्तान है बट इंडिया ने बिम्स्टेक बनाया है और पाकिस्तान को पर्टिकुलरली नहीं रखा है क्यों भाई हम नहीं चाहते ना भाई एक नए शेयर दूर रहे सार्क वैसे ही नहीं चल रहा है तो भाई बिम्स्टेक में उसको ला के क्या फायदा इट्स जस्ट लाइक दैट कि प्रशिया जो है जोल्वरीन बनाता है लेकिन किसको नहीं रखता है किसको नहीं रखता है ऑस्ट्रिया को गेटिंग नाउ दैट इज़ व्हाई मोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रियन मर्चेंट्स ऑल्सो एंड लिबरल्स ऑल्सो वर वेटिंग टू गो विथ प्रशियन वे प्रशिया में बिस्मार्क के आने के बाद भी और उससे पहले भी बहुत सारे ट्रेड रिफॉर्म्स हो रहे थे या पॉलिटिकल ओवरहैंग नहीं था जैसे ऑस्ट्रिया में पोप का बहुत रिलीजियस हस्तक्षेप था पॉलिटिकल uh, हस्तक्षेप था हैब्सबर्ग डायनेस्टी का हॉलेंस ऑफ डायनेस्टी जो चल रही थी प्रशिया में दे वर वेरी चिल पीपल वर वेरी ओके पीपल दे

There were number of coal rich areas. Number one was Rhineland itself. तो so Rhinlands bhi coal rich area hua karta tha and uh, it was fueling kind of Prussia's growth. Prussia ki growth ko bahut acha fuel kar raha tha तो यहाँ पे बैठे जो merchants थे, जो Austria में बैठे जो merchants थे, इनके पास जो पैसा था, या liberals थे, they wanted to invest into Prussia. अब Austria के लोग, German speaking लोग, कहाँ पे अपना पैसा invest करेंगे? क्या वो England जाएंगे क्या? गो टू ब्रिटेन नो कैन दे गो टू फ्रांस नो नीचे बेचारा इटली ने तो अपना यूनिफाई कर ही लिया तो अब तो वो भी पार्ट नहीं है पोजिशन ऑफ ऑस्ट्रिया इवन टूडे ऑस्ट्रिया एक ऐसा कंट्री बन के रह गया है कि उसके चारों तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट नेशन है एक तरफ फ्रांस है एक तरफ जर्मनी बनेगा और नीचे इटली है राइट right? एंड यू नो ऑस्ट्रिया लाइक द बिगेस्ट लाइक खानदानी रईस जिसको बोलते हैं ना लाइक like जमींदारों का घराना खानदानी रईस इट वॉज लाइक दैट फॉर यूरोप कि यूरोप में सबसे इंपॉर्टेंट पावर फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ ट्वेल्थ सेंचुरी टिल द टाइम पीरियड ऑफ फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन सेंचुरी वॉज नथिंग बस्ट ऑस्ट्रिया सो ऑस्ट्रिया अपने आप को

ऑस्ट्रिया को भी नेपोलियन ने हराया था लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द टाइम ऑस्ट्रिया ही लीड करते थे यूरोपियन कोलेशन को ठीक है बिकॉज दे हैड मोस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड सो ऑन सो सो ऑल ऑफ दिस हैड टू बी रिमूव्ड. नाउ द सेकेंड पार्ट इज कमिंग अप ऑफ फ्रेडरिक विलियम द फर्स्ट ये विलियम है वो विलियम थे ठीक है तो कोई ये नहीं पूछेगा कि सर फोर्थ के बाद फर्स्ट कैसे आया ये विलियम है, है? वो थे, ठीक है। तो फेडरिक फर्स्ट विलियम फर्स्ट आते हैं 1861 में ही आ रहे हैं, एंड एट द सेम ऑफ़ किंग मिनिस्टर प्रेसिडेंट वॉज ऑटोवन बिस्मार्क सो ऑटोवन बिस्मार्क आते हैं चांसलर <coughs> ऑफ रशिया और मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया 1861 की कहानी ठीक है बाय दिस टाइम इटालियन इंटीग्रेशन इज डन एंड नाउ दिस स्टार्ट्स अब जर्मन इंटीग्रेशन स्टार्ट हो सो दिस इज रशिया लेट से इज ऑस्ट्रिया ठीक है द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन इज वेरी सिंपल अब कुछ नहीं हो रहा है ऑस्ट्रिया भी खुश है क्योंकि एटीन फोर्टी एट में फ्रेडरिक विलहम द फोर्थ ने क्राउन रिजेक्ट कर दिया तो ऑस्ट्रिया को यह लग रहा है दाइन एवरीथिंग इज ओके बाई दिस पॉइंट ऑफ टाइम द मेजर पावर्स इन यूरोप जो यूरोप में मेजर पावर्स हैं दैट इज ब्रिटेन ब्रिटेन दूर है ब्रिटेन स्प्लेंडेड आइसोलेशन में मजे कर रहा है ब्रिटेन को कोई मतलब नहीं है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फायदे ब्रिटेन इंजॉय कर रहा है दूसरा इंपॉर्टेंट पावर है फ्रांस और फ्रांस साइड में है ठीक है फ्रांस इज देयर आउट देयर एंड यू नो कि फ्रांस में नेपोलियन द थर्ड है और अब ये बेचारे जिल्टेड फील कर रहे हैं ही इज फीलिंग जिल्टेड बिकॉज

यू ऑल रिमेंबर वियना कांग्रेस वियना कांग्रेस याद है 1815 का वियना कांग्रेस वियना कांग्रेस ऑफ़ 1815 याद है क्या हुआ था इधर मेटर्निक वाला मेटर्निक गेव लैंड टू डिफरेंट रूलर्स बिल्कुल सही है ना हमने इटालियन यूनिफिकेशन की भी कहानी यहीं से शुरू की थी डिस्ट्रीब्यूट किया था उन्होंने इसी में मैंने आपको कहा था याद है रशिया को फिनलैंड पोलैंड दिया गया था है ना? यस yes, प्लीज। इसी में आ, आपके डेनमार्क को नेदरलैंड्स को दो एरियाज दिए गए थे छोटे मोटे छोटे छोटे डचीज थे स्मॉल आइलैंड किंगडम्स वेरी स्मॉल आइलैंड्स शेल्सविग एंड हॉलस्टीन, शेल्सविग एंड हॉलस्टीन, ठीक है ये दो छोटे डचीज थे जो किसको दिए थे मेटर्निक ने दिस वॉज गिवन टू डेनमार्क अब इसमें प्रॉब्लम क्या था इसमें प्रॉब्लम यह था कि शेल्ज़विग और हॉलस्टीन में रहते थे जर्मन स्पीकिंग पीपल ठीक है स्पेलिंग uh, नहीं दिख रहा है आप लोगों को शेल्सविग और हॉलस्टीन में कौन लोग रहते थे यस yes, प्लीज कौन लोग रहते थे जर्मन स्पीकिंग पीपल बात खत्म बिस्मार्क का सबसे पहला ध्यान यहां गया जीनियस ऑफ बिस्मार्क इज दैट इट लाइक आई कैन पर्सनली से दैट आई बीन स्टार्टिंग हिस्ट्री फ्रॉम लाइक टू थाउजेंड नाइन दो हजार नौ से मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था एंड

जो लोग ये कह रहे हैं कि किसी के साथ में करेंगे वो किसके साथ में कर सकते हैं आप बता सकते हैं किसके साथ में कर सकते हैं डेनमार्क पे चढ़ाई रशिया और फ्रांस रशिया नेपोलियन रशिया तो खुद उनकी कंट्री थी ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया कौन बोल रहा है आपको लगता है कि ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर बिस्मार्क चढ़ाई करेंगे वाई आर यू सीइंग ऑस्ट्रिया दीपा यू आर से ऑस्ट्रिया वाई भाई वियना कांग्रेस करने वाला ऑस्ट्रिया का ही प्रिंस था ना अरे वियना कांग्रेस करने वाला कौन था ऑस्ट्रिया का ही प्रिंस था प्रिंस मेटर्निक तो चढ़ाई किसके साथ करेंगे यस एनीबडी कैन यू गिव मी अंक्रीट रीजन ऑस्ट्रिया वाई वाई डू यू थिंक टेक हेल्प ऑफ ऑस्ट्रिया सर मे बी बिकॉज ऑफ लैंग्वेज see most of you said that he'll take help of france he should take help from russia and all actually he takes help of austria that is true he takes help of austria he asks austrian crown to come and liberate द जर्मन स्पीकिंग एरिया कि आइए आपके यहाँ पे भी जर्मन स्पीकिंग लोग रहते हैं मेरे यहाँ पे भी जर्मन स्पीकिंग लोग हैं हमारी भाषा तो एक है हमारे भाइयों को छुड़ाइए हमारे लोगों को छुड़ाइए शेजविग और हॉलस्टेन में हम दोनों का अधिकार है कैन यू अंडरस्टैंड दिस पॉलिटिक्स ऑफ बिस्मार्क बिस्मार्क डज दैट दैट इज बिस्मार्क फॉर यू विच यू डोंट थिंक दैट ही कैन डू ना you know? एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है विच इज नॉट टोल्ड इन मोस्ट ऑफ योर नोट्स बहुत सारे नोट्स में यह बताया नहीं जाता है ये स्टेप तो बहुत सिंपल है, है, uh, है अटैक करेंगे ये लोग दैट इज प्रशिया और ऑस्ट्रिया मिलकर और किसके लिए अटैक करेंगे किसके लिए अटैक करेंगे जस्ट प्लीज कौन से टेरिटरीज के लिए अटैक कर रहे हैं टेरिटरीज का नाम बताइए फटाफट <coughs> शेल्सवेग और हॉलस्टेन के लिए अटैक कर रहे हैं ठीक है, है? शेल्सवेग और हॉलस्टेन कब गया था डेनमार्क के पास कब गया था 1815 ठीक है एक सिंपल सी बात अब मैं आपसे पूछता हूं अगेन बिकॉज आई वॉन्ट यू टू नो हुईवेग यहां पे है और हॉलस्टीन यहां पर है यानी प्रशिया के बहुत पास में थे और शेल्सविक थोड़ा दूर है और इन्होंने जीत लिया है टेरिटरी नाउ आई वॉन्ट यू टू टेल मी और जस्ट गेस रैदर देन टेलिंग मी जस्ट गेस बिस्मार्क शेल्सविक लेंगे कि हॉलस्टीन लेंगे दोनों में से एक टेरिटरी तो प्रशिया को मिलेगा ना तो वो कौन सी टेरिटरी लेंगे

सी, ही डिसाइड्स टू टेक अरे भाई हॉलस्टीन तो कभी भी ले सकते हैं ना अगर हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया लेता है सॉरी अगर शेल्सविक ऑस्ट्रिया लेता है तो भाई प्रशिया को घेर सकता है ना यहां पे ऊपर है प्रशिया ने बोला सर आप कहाँ ऊपर जाओगे आप मेरे भाई हो आप उतना ज्यादा दूर जाओगे पैर वैर दुख जाएगा आपका आओ पास वाला क्या जाता है आपका आपके लिए बहुत अच्छा है। हॉलस्टिन प्रशिया के लिए अनेक्स करना बहुत अच्छा है वो कभी भी अनेक्स कर सकता है शेल्सवी को अनेक्स करने के लिए प्रॉब्लम होगी दैट इज सिंपल रीजन सो ही वॉन्ट्स टू कीप ऑस्ट्रिया इन द डार्क एज मच एज पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल इट्स लाइक यू नो कि ऐसा लाठी मारो कि आदमी पानी भी ना मांगे यू नो दैट यू अटैक इट विथ जस्ट सच अ स्टेल्थ लाइक अंडरस्टैंड वॉट ऑस्ट्रिया मस्ट बी थिंकिंग दैट ऑस्ट्रिया मस्ट बी थिंकिंग एक तो बिस्मार्क ने मना किया था एटीन में तो यार बिस्मार्क से बड़ा तो दोस्त है नहीं मेरा कोई इस दुनिया में और दूसरा ये कि देखो यार कितना अच्छा दोस्त है बोल रहा है कि हॉस्टिन ले लो शेल्सविक तो बहुत दूर है आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है नो वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी वेरी क्लीन स्ट्रैटेजी कोई टेंशन ही नहीं दुनिया में एज सिंपल एज ठीक है ना दिस इज द सेकेंड स्टेप ठीक है अब ये सेकेंड स्टेप नाउ ऑल ऑफ यू डू रिमेंबर एटीन सिक्सटी सिक्स द ईयर वेन इटली अनेक्स्ट वेनेशिया डू ऑल रिमेंबर येस हाउ इट अनेक्स्ट बिकॉज ऑस्ट्रिया को कौन अटैक कर रहा था ऊपर से प्रशिया सो so, आप सबको पता है कि प्रशिया ऑस्ट्रिया को अटैक करने वाला है 1866 में बस दो साल बाद आफ्टर वॉर ठीक है इस ये जो और की जो और की ट्रीटी ऑफ गैस्टीन बट जस्ट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ गैस्टीन रशिया जो है ऑस्ट्रिया को अटैक करने वाला है एज सिंपल एज दैट मैंने आपको बताया यूरोप में इंपॉर्टेंट पावर्स थे है ना इंपॉर्टेंट पावर्स थे कौन से कौन से पावर्स थे आप बचे हुए ऑस्ट्रिया के नीचे कौन था इटली और दूसरा कौन था फ्रांस इटली को कोई प्रॉब्लम होगी क्या अगर प्रशिया ऑस्ट्रिया को अटैक कर रहा है तो इटली को कोई प्रॉब्लम थी क्यों नहीं प्रॉब्लम थी वाई इटली को फायदा था क्यों 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 इन सबका आंसर आपको पता उसको वेनेशिया मिल गया ना अरे भाई उसका भी एनिमी ऑस्ट्रिया था यस तो इटली को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी नो no प्रॉब्लम इटली वॉज लाइक सर हम आपके साथ हैं हमें बस अपने से मतलब है। को से मतलब था कोई मतलब नहीं जाओ ले लो एंजॉय प्रशिया ऑस्ट्रिया को नेक्स्ट करेगा तो प्रॉब्लम किसको होगी प्रॉब्लम किसको होगी फ्रांस को फ्रांस को अब लुक एट बिस्मार्क आप सबको प्लॉम्बियर्स पैक्ट याद है प्लॉम्बियर्स पैक्ट यू ऑल रिमेंबर 1858 का प्लॉम्बियर्स पैक्ट इसमें क्या हुआ था वॉट ऑज देयर इन दिस विथ नेपोलियन द थर्ड जो फ्रांस के थे उनके साथ कबूर ने बोला था कि सर आप हमें ऑस्ट्रिया के खिलाफ हेल्प कर देना आप बस चुप रहना उसके बदले में हम आपको नीस एंड सबा दे देंगे आप हेल्प कर देना हमें तो नेपोलियन ने बोला था बिल्कुल हेल्प करूंगा बशर्ते ऑस्ट्रिया आपको अटैक करता है अगर ऑस्ट्रिया अटैक करेगा सो आई विल कम एंड हेल्प यू विद टू लैक सोल्जर्स रिमेंबर दिस रिमेंबर दिस तो बेसिकली नेपोलियन से प्रॉमिस करवा रहे थे हमारे कबूर साहब कि सर हेल्प कर दीजिएगा बस सिमिलरली सिमिलरली बिस्मार्क वॉज हैविंग अ सीक्रेट ट्रीटी विथ फ्रांस बिस्मार्क ने फ्रांस को बोला सर चुप रहना लेट मी अटैक ऑस्ट्रिया यस नेपोलियन वॉज द मोस्ट इन फैक्ट ही वाज टेकन एडवांटेज बाय लेफ्ट एंड राइट है ना तो आप सबको पता है कि नेपोलियन बेचारे बेवकूफ वापस बनने वाले हैं है ना सो so, बिस्मार्क ने फ्रांस को बोला था कि सर व्हाट डू यू डिजायर मोस्ट इन लाइफ फ्रांस सेड वी डिजायर स्पेन याद है ना आपको स्पैनिश स्पैनिश एरिया स्पेन को क्यों डिजायर करते थे फ्रांस याद है स्पैनिश अल्सर है ना कि स्पेन में बर्बर्न डायनेस्टी हुआ करती थी जोसेफ बोनापार्ट जो नेफ्यू थे असली नेपोलियन के फर्स्ट नेपोलियन के उनका भी वहां पे एरिया हुआ करता था तो फ्रांस ने बोला तो सॉरी बिस्मार्क ने बोला सर आपको चाहिए फ्रांस सॉरी आपको चाहिए स्पेन तो वो मैं देता हूं ना लेट मी डू माई वर्क हेयर ऑस्ट्रिया को खत्म करते हैं आप बस शांत रहिए विल कम एंड हेल्प यू नाउ लॉट ऑफ प्रेशर हो लॉट ऑफ प्रेशर भाई इनके बगल में इटली बन रहा है इनके बगल में जर्मनी बन रहा है by 1866 सिक्सटी सिक्स प्रेशर वॉज गेटिंग लॉट ऑफ लैंड्स तो इनके ऊपर फ्रांस के लोगों का यू you नो know, एक प्रकार से Uh, बहुत प्रेशर है दैट देखो यार क्या कर रहे हो इट्स लाइक सेइंग दैट आपका पड़ोसी सिलेक्ट हो गया आपके चाचा का लड़का सिलेक्ट हो गया आप नहीं सिलेक्ट हुए आपकी हालत कैसी होगी यू नो आपके माँ बाप रोज आपको खाने के साथ ताना भी देंगे कि देखो वो हो गया आप नहीं हुए सो so, बेचारे फ्रांस के साथ वही आ, वही हाल है यू you नो know, फ्रांस के पड़ोसी जो हैं वो सिलेक्ट होते जा रहे हैं और फ्रांस अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देता जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है इनफैक्ट लोग फ्रांस का फायदा उठाकर यू नो सिलेक्ट हो जा रहे हैं तो दैट वॉज द सिचुएशन ऑफ फ्रांस एंड इन दैट सिचुएशन बिस्मार्क एनी वे तो होता यही है 1866 में प्रशिया अटैक्स ऑस्ट्रिया बाय फर्स्ट एन एक्सिंग हॉलस्टेन पहले हॉलस्टीन एनेक्स करता है कौन प्रशिया क्योंकि वो एरिया किसकी थी एरिया किसकी थी हॉलस्टीन ऑस्ट्रिया की तो भाई सबसे पहले ऑस्ट्रिया एनेक्स किया जैसे इसने एनेक्स किया ऑस्ट्रिया गया प्रशिया पे चढ़ाई करने ऑस्ट्रिया गया बेचारा ऊपर नीचे से आ गई इटालियन जनता यू कैन इमेजिन बैड सिचुएशन ऑस्ट्रिया वॉज सैंडविच ठीक है The the the

अबाउट माई टेरिटरी अब स्पेन की बारीट अबाउट माई टेरिटरी नाउ स्टार्टेडिंग ऑफ लेटर्स एक्सचेंज बहुत सारे लेटर्स एक्सचेंज होने का एक सिलसिला चला बिटवीन नेपोलियन एंड फेडरिक विलियम द फर्स्ट किंग के बीच में लेटर्स चलते रहे इनफैक्ट फ्रांस को बीच में लुक एट बिस्मार्क बिस्मार्क वाज वेरी क्लेवर कुछ एरियाज थे प्रेजेंट डे स्विट्जरलैंड के पास कुछ एरियाज थे जब फ्रांस को कुछ भी नहीं मिल रहा था यू नो स्पेन में रेसरेक्शंस हो रहे थे स्पेन में बार-बार रेसरेक्शंस -बार हो रहे थे और एक पॉइंट के बाद स्पैनिश लोगों ने क्राउन जो है क्राउन ऑफ स्पेन ऑफर कर दिया प्रशियन किंग को द क्राउन ऑफ स्पेन वाज ऑफर्ड टू प्रशियन किंग ऑन टॉप ऑफ दैट इवन बिफोर इट अराउंड सेवेंटीज की ये बात है दैट फ्रांस बाइंग टेरिटरीज टेरिटरीज कुछ territories ऐसा होता है ना कि अगर आप जीत नहीं सकते हो तो आप खरीद लो ठीक है तो कुछ एरियाज ऐसे थे हॉलैंड के आसपास के जो फ्रांस खरीद रहा था सो दैट इट कैन से टू द पीपल दैट लुक आई हैव गॉट टेरिटरीज दैट इज वॉट फ्रांस वॉज डूइंग और उसमें बिस्मार्क उनकी मदद कर रहे थे सो यू नो बिस्मार्क हेल्पिंग फ्रांस Buy some territories at the same point of time, people of Spain was offering crown to Bismarck to Prussia. Ki, bhaiya, aap hi aake king now, when that happened, when Spanish insurrections happened and people of Spain started offering crown to Prussian king, that incensed. ियन दर्ड नेपोलियन द थर्ड पागल हो गया। उनका मगर आई शुड नॉट यूज दर्ड पागल बट उनका जो पॉलिटिकल या डिप्लोमैटिक लैंग्वेज था दिकेम कंफ्रंटिंग इट्स लाइक से पूरा चुनाव आपके प्राइम मिनिस्टरशिप के नाम पर लड़ा गया और चुनाव जीतने के बाद किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया जो you नो know, You can understand what happens. Or for that matter, uh, I would rather not take the example, but when BJP came to power in 2014, you all remember the clash between advani and uh, Modi. Right? how you know people or how he must have felt betrayed that look, uh it's al say the or you know crown kisi or gaya. In fact, this was एग्जैक्टली द ऑपोजिट टू वॉट नेपोलियन द थर्ड एवर थॉट सो नेपोलियन द थर्ड स्टार्टेड राइटिंग फर्स्ट नेपोलियन द थर्ड लेटर्स लिखना शुरू कर देते थे विलियम फर्स्ट को फ्रेडरिक विलियम फर्स्ट को सी ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग द्राउन वो क्राउन लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं थे बट लुक एट बिस्मार्क बिस्मार्क ने बोला सर उनके लेटर का कोई जवाब मत देना आप ना हाँ बोलना ना ना बोलना बाकी का काम मेरे ऊपर है यू नो यू कैन एक्सपेक्ट बिस्मार्क विल डू समथिंग और अदर ठीक है सो व्हाट ही डिड इज दैट ही स्टॉप्ड ही स्टॉप्ड एनी करस्पॉन्डेंट फ्रॉम द किंग ऑफ रशिया टू किंग ऑफ फ्रांस उन्होंने सारा करस्पॉन्डेंट स्टॉप करवा दिया एंड देन ही पब्लिश्ड द लेटर दैट किंग ऑफ फ्रांस गेव टू किंग ऑफ रशिया नेपोलियन द थर्ड ने अपने लेटर में लिखा कि सर बिस्मार्क ने मुझे प्रोमिस किया था कि स्पेन की टेरिटरी मुझे मिलेगी बिस्मार्क ने मुझे कुछ टेरिटरीज बाय करवाए हरी दवाएं लेकिन I had not asked for the purchase मुझे तो अपनी टेरिटरी चाहिए थी फ्रांस even Bismarck uh, sorry even Napoleon was saying that look I want I wanted the territories of Naples and Sicily also Naples and Sicily में भी Bourbon dynasty थी Bismarck ने वो भी hint दिया था कि मुझे वो areas मिलेंगे लेकिन Naples Sicily छोड़ो Spanish crown भी आपको offer किया जा रहा है you should not accept Spanish crown ठीक है all these things अगर एक लेटर है मान लो टू विलियम फर्स्ट नीचे लिखा हुआ है नेपोलियन द थ्री और उस लेटर में लिखा हुआ है दैट बिस्मार्क प्रोमिस्ड मी सो एंड सो टेरिटरीज इसमें लिखा हुआ है दैट बिस्मार्क हेल्प मी बाय सम टेरिटरीज इसमें लिखा हुआ है कि स्पेनिश क्राउन वॉज प्रोमिस्ड टू मी

फर्स्ट मीडिया दैट वॉज डन हिस्ट्री ऑफ यूरोप अब आप मुझे बताइए कि अगर आप फ्रांस के नागरिक होते तो इस लेटर पे पढ़कर आप अपने नेपोलियन द थर्ड के बारे में क्या बोलते हैं? कितना गिरा हुआ है कितना खराब है अरे ये टेरिटरीज हमें बोला जीत के आ रहा है ये तो बाय कर रहा है अरे देखो यार बिस्मार्क पे भरोसा कर रहा है जो ऑस्ट्रिया का सगा नहीं हुआ वो फ्रांस का सगा होगा यू नो ऑल दैट क्रैप यू कैन अंडरस्टैंड दैट नेपोलियन लॉस्ट हिज फेस नॉट जस्ट इन प्रशिया प्रशिया में तो लोग आग बबूला थे लाइक पीपल ऑफ प्रशिया वर थिंकिंग दैट हाउ डेयर यू यू नो डायरेक्ट माई किंग लाइक like प्रशिया के लोग ये सोच रहे थे कि हमारे किंग को ह्यूमिलेट कर दिया फ्रांस के लोग ये सोच रहे हैं कि यार हमारा किंग कितना बड़ा यू you नो know, बेवकूफ आदमी है दैट ही इज नॉट एबल टू एनेक्स अ टेरिटरी ट्रू टू हिस सॉल्ट लाइक ही के नॉट एनेक्स ही नॉट फाइट अ वॉर इसके वजह से इटली यूनिफाइड हो गया इसके वजह से अब जर्मनी यूनिफाइड हो रहा है आप समझ सकते हो दैट वॉट वॉज द सिचुएशन ऑफ नेपोलियन Can you understand the situation of Napoleon? Humiliated, defeated, even before the war could start. Even before the war could start. So Napoleon, out of sheer angry or out of sheer anger towards Bismarck, Bismarck. And just remember the people of Spain. स्पेनिश पीपल को कैसा लग रहा होगा स्पेनिश पीपल को लग रहा होगा कि यार हम कोई यू नो यू नो एक दहेज की चीज थोड़ी ना कि कोई हमें प्रॉमिस करके किसी को दे रहा है आर पीपल भाई हमने तो इज्जत से प्रशियन किंग को क्राउन ऑफर की और ये प्रशियन किंग को धमका रहा है जैसे कि स्पेन उनकी जागीर हो सो स्पेनिश पीपल आल्सो स्टार्टेड हेटिंग नेपोलियन द थर्ड ही वॉज नो वे टू बी सी ठीक है दैट वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुर इज दैट यू ह्यूमिलिएट दैट पर्सन इवन बिफोर द वॉर स्टार्टो जो, uh, जो आदमी एंगर में काम करता है ना और उसके सामने कोई कैल्कुलेटेड आदमी हो इट्स लाइक बिस्मार्क है लॉट ऑफ कैल्कुलेशन वाई डू थिंक बिस्मार्क वॉज इंस्टिगेटिंग दिस पर्सन नेपोलियन थर्ड वाई डू यू थिंक वॉज इंस्टीगेटिंग इट Because he wanted France to attack Prussia and not Prussia to attack France. He wanted France to attack Prussia and not Prussia to attack France. The aggressor is who? Aggressor Konayapur. Napoleon. In 1871, in the Battle of Sadova, which was the last battle fought between Prussia and France, because Napoleon started crossing the borders. एट्टी थाउजेंड सोल्जर्स ऑफ फ्रांस वॉज कैप्चर्ड अलॉन्ग विथ नेपोलियन दर्ड एट्टी थाउजेंड सोल्जर्स को कैप्चर किया गया था और उस सोल्जर्स में नेपोलियन भी थे एंड यू नो द ट्रीटी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की ट्रीटी कहां पे साइन हुई थी इट वॉज साइंट इन द हॉल ऑफ मिरर्स इन पैलेस ऑफ पैलेस ऑफ़ वर्साएले किसका पैलेस है फ्रांस के किंग का फ्रांस के किंग के पैलेस में विलियम द फर्स्ट कोरोनेट हो रहे थे कोरोज द किंग ऑफ जर्मनी इन अटेंडेंस उसी थ्रोन पे बैठे हुए थे जहां पे फ्रांस के किंग बैठते हैं और फ्रांस का किंग वहां पे खड़ा था आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड

इट्स लाइक सेइंग दैट इंडिया का इंडिपेंडेंस जो है हम पाकिस्तान के पार्लियामेंट में घुस के हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं यू you नो know, कितना होगा पाकिस्तान के लिए इट्स लाइक दैट कि जर्मनी का इंटीग्रेशन फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साई में होकर मन रहा है और वो भी उस चेयर पे जहां पे फ्रांस के किंग बैठते हैं फ्रांस के किंग साइड में खड़े हुए हैं लेकिन जर्मनी के किंग वहां पे बैठे दैट ज ह्यूमिलिएशन माई डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी होगी दैट इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ दिस राइट तो क्या डिड फ्रांस एवर टेक बदला यू नो द नेम ऑफ बदला बदला का नंबर नाम पता है आपको रिवेंच का नाम क्या है द ट्रीटी ऑफ वर्साई इज द नेम ऑफ द रिवेंच दैट फ्रांस टेक्स फ्रॉम जर्मनी फ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉरिस बदला और उसका बदला लेगा कौन हिटलर यह बदले की कहानी यहां से शुरू आप समझ में आ रही कड़ी दर कड़ी यू गेटिंग इट हिटलर ऑल्सो कम्स फ्रॉम अ बैगेज और हिटलर का बैगेज कम्स फ्रॉम फ्रांस एंड फ्रांस का बैगेज कम्स फ्रॉम बिस्मार्क रिवेंज ब रिवेंज यह लाइन बहुत ही सही लाइन है जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं कि रिवेंज लेने का जो सिलसिला है जो आप साउथ इंडियन फिल्म में देखते हैं कि बाप का बदला बेटा बेटे का बदला उसका बेटा है ऑन दैट क्रैप जब आपकी कलेक्टिव हिस्ट्री के साथ कुछ अन्याय किया गया हो जब आपकी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ कुछ अन्याय किया गया हो

उ मेनी ऑफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड द स्टोरी आई विल अगेन रिपीट द स्टोरी ऑफ कोर्स आई विव अगेन रिपीट द स्टोरी ऑफ कोर्स बट हाउ मेनी ऑफ यू है लेट मी रिवाइज इट अगेन फॉर यू स्टार्टिंग है नेपोलियन से है ना लेट एस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट Uh, unknowingly, Napoleon Bonaparte integrates the area of which territory? Rhineland territories. Okay? Rhineland territories, coal rich area tha between Prussia and Austria. Uh, these were divided into 300 smaller states, which were united into 39 states. Uh, Napoleon unifies that. That is the first step. Okay? Uh, now, इन दोनों की पार्लियामेंट का नाम था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहां बैठती थी कहां पे बैठती थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट प्लीज ऑस्ट्रिया ठीक है सो ऑस्ट्रिया में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बैठती थी एंड ऑल दैट इज टू आल्सो डिस्कस दैट ऐसा इटली में भी हुआ था बिकॉज इटली को भी कैप्चर किया था नेपोलियन ने सो दैट वॉज ऑल्सो देर सो इन वे वी से दैट नेपोलियन

लिबरल ग्रुप्स ठीक है ना सो लिबरल ग्रुप्स में से कौन से कौन से लोग थे जिन्होंने ऑफर किया था क्राउन रशिया को कौन से लोग थे मर्चेंट्स थे स्टूडेंट यूनियंस थे ट्रेडिंग यूनियंस थे एंड व्हाई दे वॉन्टेडिया बिकॉज प्रशिया में जोल्वरीन था राइट right? रशिया में ट्रेड बहुत अच्छा था प्रशिया बहुत अच्छे तरीके से इंटीग्रेट था वर्ल्ड इकोनॉमी में एज कंपेयर टू ऑस्ट्रिया ट्रेडिंग बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा थे राइनलैंड भी था गुड टेरिटरीज गुड मेजर टेरिटरीज थे राइट नॉट जस्ट दैट मैंने एक ग्रुप का नाम आपको नहीं बताया बर्शन शैफ्ट एक स्टूडेंट यूनियन ग्रुप हुआ करता था अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप

सर, और हॉलस्टीन के लिए ये दो एरियाज़, ये दो डचीज थे ये किसको दिए गए थे ये किसको दिए गए थे डेनमार्क को दिया गया था ऑस्ट्रिया को नहीं दिया गया था डेनमार्क को दिया गया था सबसे पहले किसने दिया था डेनमार्क? Uh, किसको किसने दिया था डेनमार्क को वियना कांग्रेस ने दिया था मैटर्निक ने दिया था बिल्कुल ठीक है ना राइट वेन द टेरिटरीज वी डिवाइडेड राइट अब इस एरिया को कैप्चर क्यों करना चाहते थे शेल्सविग और हॉलस्टीन को शेल्सविग और हॉलस्टीन को कैप्चर क्यों करना चाहते थे बिकॉज दे वर जर्मन स्पीकिंग एरिया सो प्रशिया टेक्स द हेल्प ऑफ ऑस्ट्रिया इसेज कि ऑस्ट्रिया प्रशिया दोनों जर्मन भाई भाई हम दोनों मिलके कैप्चर करेंगे कैप्चर करते हैं बट ही क्लेवरली टेक्स प्रशिया को क्या मिलता है क्लेवरली क्या प्रशिया क्या लेता है कौन सी टेरिटरी लेगा

ऑस्ट्रिया को दे देता है Hallstein. और खुद क्या लेता है ठीक है ना सो सो दैट इज़ वी टॉकिंग अबाउट राइट लेटर क्या होगा बिटवीन प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया बट एनी सो दिस इज वॉट हीस ट्रीटी का नाम है, है? है? Uh, 1866 की कहानी आप सबको पता है वट हैपन्स इन एटीन सिक्सटी सिक्स प्रशिया अटैक्स ऑस्ट्रिया बट इस अटैक को करने से पहले ही हैज न्यूट्रलाइज टू इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन से दो कंट्रीज को न्यूट्रलाइज किया हुआ इन्होंने इटली और फ्रांस इटली को क्या बोल के न्यूट्रलाइज किया था भाई इटली की कहानी हम सबको पता है कि इटली को क्या चाहिए था वेनेशिया ये बचा था कैप्चर करने के लिए तो इटली ने बोला कि मैं नीचे से ऑस्ट्रिया को अटैक करूंगा मुझे चाहिए इसमें देने में कोई प्रॉब्लम थी एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम इज़ नॉट जर्मन स्पीकिंग एरिया सो नो प्रॉब्लम फॉर बिस्मार्क ले लो भाई बट प्रशिया अटैकड ऑस्ट्रिया फ्रॉम नॉर्थ एंड इटली अटैक्ट रशिया ऑस्ट्रिया फ्रॉम साउथ ऑस्ट्रिया गया ऑस्ट्रिया इज गॉन फ्रांस को क्या बोला उन्होंने फ्रांस को क्या प्रॉमिस किया फ्रांस में कौन है नेपोलियन द थर्ड तो जैसे प्लॉम्बियर्स पैक्ट साइन हुआ था बिटवीन नेपोलियन द थर्ड एंड काबूर उसी के तरीके से बिस्मार्क ने एक सीक्रेट ट्रीटी की थी फ्रांस के साथ सेइंग दैट सर आई विल हेल्प यू गेट स्पेन आई विल हेल्प यू गेट कॉलोनीज ठीक है आपको कॉलोनीज चाहिए आपको स्पेन चाहिए स्पेन में आपका हक है बर्बन डायनेस्टी दी स्पेन में राइट right? नेपोलियन के टाइम से आपका राज्य वहां पे चल रहा है तो आपका हक है हम आपका हक दिलाएंगे बशर्ते आप चुप रहिए हम ऑस्ट्रिया को कैप्चर करेंगे सो यू शुड रिमेन यू नो पार्टी टू अस डोंट यू यू नो गो इन बिटवीन राइट आकाश आर आस्किंग सर इटली को विनेशिया क्यों चाहिए था बताओ भाई इटली को विनेशिया क्यों चाहिए था आकाश इज आस्किंग लोम्बार्डी और विनेशिया ये दो एरिया क्यों चाहिए थे लोम्बार्डी और विनेशिया भी मिला था ना 1815 में किसको ऑस्ट्रिया को मिला था याद है इट वॉज इट वॉज अ पार्ट ऑफ इटली इट वॉन्टेड टू गेट इन साइड इटली पीडमोट साडेनिया इटली को कभी यूनिफाई नहीं कर पाते अगर अगर Lombardi और पातेशिया नहीं आता है ना यस प्लीज यस प्लीज यस प्लीज याद है ना ठीक है सर वाई डिड फ्रांस वॉन्ट स्पेन ईश्वर इज आस्किंग डिड फ्रांस वॉन्ट स्पेन कैन यू टेल मी फ्रांस को स्पेन क्यों चाहिए था कैन एनीबडी टेल मी स्पेन में कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी बर्बन डायनेस्टी। स्पेन में हमने नेपोलियन के टाइम पढ़ा था अ स्पेनिश अल्सर ऑल्सो वाई डिड स्पेनिश अल्सर केम बिकॉज स्पेन में नेपोलियन ने जबरदस्ती किसका रूल लाया था जोसेफ बोनापार्ट का है ना यस 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 यू रिमेंबर सो वेन दोज पीपल वेंट अवे देट स्पेन भी हमारा है जहां जहां पर बॉर्बन डायनेस्टी थी वहां वहां पर स्पेनिश लोग सॉरी वहां वहां पर नेपोलियन या फ्रांस के लोग आना चाहते ठीक है ना ईश्वर इज योर डाउट क्लियर यस क्लियर इनफैक्ट दे ऑल्सो वॉन्टेड नेपल्स एंड सिसली राइट नेपल्स और सिस्ली भी चाहिए था क्यों चाहिए था बिकॉज नेपल्स और इसली में भी कौन सी डायनेस्टी थी इफ यू रिमेंबर बर्बन डायनेस्टी थी और Naples और और को को किसने किसने हराया हराया था? था? फटाफट बोलो इटली में किसने हराया था गैरी बोल्डी कल ही किया था ना हम लोगों ने यार ओनली वी लिमिटेड ना यस गैरी बोल्डी का नाम आप चेंज बहुत अच्छा कर देते हैं Somebody के कमिंग बैक टू आवर स्टोरी फ्रांस बचाए नाउ फ्रांस के किंग क्या कर रहे थे बाई टेरिटरीज बिस्मार्क स्पेन के लोगों ने अपना क्राउन किसको ऑफर किया बाद में बिकॉज देर वॉज अ पॉपुलर इंसरेक्शन किसको ऑफर किया प्रशियन किंग को इसके वजह से फ्रांस फ्रांसिस किंग नेपोलियन हैड अ लॉट ऑफ हार्टेक्स बहुत प्रॉब्लम हो गई उनको सो ही शॉट अ लेटर टू किंग विलियम द फोर्थ सॉरी किंग विलियम द फर्स्ट ठीक है वो लेटर में क्या लिख रहे हैं दैट यू शुड नॉट एक्सेप्ट द स्पेनिश क्राउन बिस्मार्क हैड प्रोमिस्ड मी स्पेन बिस्मार्क हैड हेल्प मी बाइंग सम टेरिटरीज Right at the same point of time, uh, you know, I should be the person who must be getting all these territories and not anybody else. That letter is known as EMS telegram. Okay? EMS. Isko change kar kar. How did Bismarck change it? How did Bismarck change it? He changed it in a way saying that King of France threatened.

उट you देर know, इसके बाद क्या होता है Who attacks Prussia? Who attacks Prussia? France. Now, मैंने एक चीज आपको नहीं बताईल स्टेट uh, कैसे इंटीग्रेट हुए है ना वो बचा हुआ है ना एक्चुअली एटीन सेवन में इंटीग्रेट होते बैटल ऑफ सडोवा शुरू होता है पेपल एरियाज को प्रोटेक्शन दे रहे थे नेपोलियन द थर्ड पोप को पर्सनली प्रोटेक्शन दे रहे थे नेपोलियन द थर्ड के सोल्जर्स तो जैसे ही अटैक हुआ सारे के सारे सोल्जर्स रोम से उठकर गए कहां प्रशियन और रशियन और फ्रांस के बॉर्डर पे और वो एरियाज रोम वाला एरियाज अम्ब्रिया मार्शेस वाला एरियाज किसने एनेक्स किया इटली ने गो टू इटली क्लियर सिंपल शतरंज की चाल समझ में आ गई आप लोग अरे भाई बड़ा सिंपल है पोप के एरिया को प्रोटेक्ट कौन कर रहा था नेपोलियन ठीक है पोप के एरिया को नेपोलियन प्रोटेक्ट कर रहे थे अब नेपोलियन की फाइट कहां हो गई प्रशिया के साथ तो वहां के जो सोल्जर्स थे पोप को जो सिक्योरिटी दे रहे थे वो उठ के कहां पे चले गए किससे फाइट करने बिस्मार्क से तो पोप को कौन बचाएगा पोप को कौन बचाएगा कोई नहीं गॉड डजेंट कम टू हेल्प इटली कैप्चर्स द एरिया ऑफ अम्ब्रिया मार्शेस इवन रोम जस्ट लीविंग द एरिया ऑफ वैटिकन जो आज आप देखते हैं ना कि वैटिकन का एरिया है उस एरिया को कैप्चर क्लियर, क्लियर ठीक है? इसके बाद में एक uh, <coughs> ट्रीटी होती है पीस ऑफ विला फ्रेंका ठीक है uh, इस ट्रीटी में फर्दर ह्यूमिलिएट किया जाता है uh, ट्रीटी होती है बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस मैंने आपको बताया कि किस तरीके से फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साई में कोरोनेशन uh, होता है किंग विलियम द फर्स्ट का इतना ही नहीं फ्रांस के पास कुछ आयरन रिच एरियाज थे आयरन माइंड के एरियाज थे एल्सास एंड लॉरेन ये एरियाज बिस्मार्क ने ले लिया फ्रांस वाज फोर्स टू पे 5 बिलियन फ्रैंक ज वॉर इन डेम्निटी वॉर इन डेम्निटी फ्रांस को पे करने के लिए कहा गया भाई बिस्मार्क ठीक है दैट बिकेम द ह्यूमिलेटिंग पार्ट फॉर फ्रांस एंड दैट इज द एंड ऑफ योर जर्मन यूनिफिकेशन पीस ऑफ विला फ्रेंका ठीक है पीस ऑफ विला फ्रेंका क्लियर एवरीबडी एवरीबडी नो दिस डज नॉट लीड टू वर्ल्ड वॉर इसके बाद एक सीरीज ऑफ ऑल दो इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस बट वो मैं कराऊंगा आपको ठीक है आफ्टर दिस देयर इज अ सीरीज ऑफ डिप्लोमैटिक मैन्युवर्स दैट बिस्मार्क प्रैक्टिस बहुत सारे ऐसे मैन्युवर्स हैं जो डिप्लोमैट जो बिस्मार्क प्रैक्टिस करेंगे देखिए अभी टाइम क्या है अभी टाइम है एटीन का 1800 अगर मैं इकहत्तर लिखू तो ठीक है आ, इस टाइम से लेके 1890 तक बिस्मार्क रहते हैं पोजीशन में पावर में यूरोप में एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीफ पीरियड इन बिटवीन जब तक ये रहते हैं इनके जीवन का एक ही मकसद है बिस्मार्क के जीवन का इसके बाद एक ही मकसद है और वो क्या है इस कंट्री को ट करके रख नॉट डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्रांस बट आइसोलेट करके रखना ठीक है एंड दैट लीड्स टू द कमिंग अप ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वी विल सी हाउ ओके सो दिस इज पीस ऑफ विला फ्रेंका ट्रिटी ऑफ फ्रेंकफर्ट

स्पेनिश पीपुलजिटेटिंग फॉर देयर ग्लोरियस पास हम लोग एज ऑफ डिस्कवरीज कर रहे थे पॉर्चुगल के साथ एज ऑफ डिस्कवरीज कर रहा था इनफैक्ट स्पेन वॉज कमिंग फ्रॉम वन टेरिटरी टू द अदर टेरिटरी स्पेन को फिर बाद में फ्रांस के लोग भी कैप्चर करते हैं

You know, uh, दखल देने लगते हैं इनफैक्ट इफ यू है अगर ओपन हाइमर देखा है आप लोगों ने uh, 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 स्टार्टिंग होता है स्पेनिश सिविल वॉर से दैट ओपन इज कलेक्टिंग फंड स्पेनिश सिर एंड पीपल आर नॉट गेटिंग इट की स्पेनिश सिविल वॉर का ओपन हाइमर से क्या लेना देना है सी इट सो है

हेल्प बाय हिटलर एंड हेल्प राइट तो स्पेन एक ऐसी बार -बार so, आप लोग अगर देखने जाइएगा तो समझ जाइएगा ठीक है लेट मी जस्ट शो यू द स्लाइड ऑल्सो ठीक है uh, ये इटालियन है ठीक है uh,

कमिंग अप ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन जो राइटरी uh, 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 बताया गया है, so out, done, है वो ये सब चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रिया का आइसोलेशन कैसे आइसोलेशन हो रहा है प्रशिया यूज ऑस्ट्रिया रिफ्यूजल ठीक है कि ऑस्ट्रिया

इनकी ब्लड एंड आयरन स्पीच जो मैंने आपको बताया ना प्रशियना ओनली थिंग एंड जर्मन वॉर्स ऑफ यूनिफिकेशन जो आपका प्रशियन डेनिश वॉर था शेल्सविग और हॉलस्टीन को लेकर वो ये दिया हुआ है दिस इज द मैप आउट देर एंड लेटर ऑन फ्रेंको प्रशियन वॉर इनफैक्ट यहाँ पे 1866 का नहीं दिया हुआ है क्या 1866 नहीं दिया हुआ है सो यू प्लीज राइट दैट 1866 सिक्स नहीं दिया हुआ है ठीक है बस ऐसे मेंशन किया गया सो यू कैन आल्सो जस्ट सी इट ठीक है लेटर ऑन 1870 71 अब यहाँ पे ईएमएस यह टेलीग्राम और उन सब के बारे में नहीं दिया गया बस सिंपली ये बताया है यहाँ पे कि ऑस्ट्रिया को प्रशिया क्यों अटैक कर रहा है एंड इटली साउथ से क्यों अटैक कर रहा है एंड ऑल दैट स्टफ ठीक है बट यू नो इन मच मोर डिटेल सो यू नो जस्ट गो थ्रू इट आई हैव यू द नेम ऑफ ट्रीटीज यहां पे ट्रीटीज का नाम मेंशन नहीं सो तो बैटल ऑफ है एंड देन ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ फ्रैंकफर्ट ठीक ये सब थोड़ा याद रखिएगा दैट्स इट ठीक है बट दैट आई विल गिव इट टू यू ठीक है वो मैं आपको दे दूंगा यू डोंट हैव टू वरी इट्स वेरी सिंपलिस्टिकली अब अगर मैं आपको यहां से समझाता तो आपको शायद समझ में नहीं आता इफ यू वॉन्ट आई कैन ओवर द क्लास ठीक है ओके द क्लास एंडस थैंक यू टेक केयर एवरीबडी स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल